तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तीन ऐसे डिमांडेड कोर्स के बारे में जो कि आप कहीं से भी करके कहीं और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वो हो सकती हैं आईटी की, और वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा उनका डिमांड होने वाला है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखते रहना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँगा एक क्लाउड इंजीनियर का, एक आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक मैं बात करूँगा सिक्योरिटी का, वो चाहे हैकर हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब हो। तो मैं बेसिकली इन तीन चीज़ों के लिए मैं बात करूँगा। तो पहले बेसिकली बात कर लेता हूँ मैं क्लाउड मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आजकल मतलब इतना ज़्यादा डेटा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी मूव होती जा रही कि लोग हमेशा स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है, वो चाहे आपके पास 64 GB का फ़ोन हो, 128 GB का हो, लेकिन वो दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी बढ़ रही तो डेटा क्या है, अब जो मतलब क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो डेटा को वहाँ पे अच्छा खासा सिक्योर भी करते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 1-2-3 साल में 90% कंपनीज आपकी क्लाउड पे हो जाएंगी, यानी कि जितना भी उनका डेटा होगा वो क्लाउड पे ही सेव होगा। अब यहाँ पे बेस्ट जो मुझे लगता है या मतलब एक अच्छी सर्विस कराता है उसमें क्लाउड एक अमेजन वेब सर्विस है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और या मतलब क्लाउड बहुत सारे हैं, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजन वेब सर्विस भी है, यानी कि काफ़ी सारे क्लाउड हैं। लेकिन अभी जो डिमांडेड हैं बेसिकली वो तीन डिमांडेड चल रहे हैं। आप अमेजन कर सकते हो अमेजन वेब सर्विस का, एंड इसके बाद आप चाहो तो गूगल क्लाउड भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी कर सकते हो जो एज्यूर होता है। तो बेसिकली ये कर सकते हो, और अगर इसमें एक बार जॉब मिल गई तो इनका अच्छा खासा, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इंडियन सैलरी की, तो 2-4 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद तो इनका 20-20, 25-25 लाख, 15 लाख के प्लस ही पैकेज इनका रहता है एज ए क्लाउड इंजीनियर। वो मैं आज की डेट की बता रहा हूँ एज पर द ग्लास डोर, लेकिन अगर आने वाले 2-3 साल में आप समझ सकते हो कि इनकी सैलरी क्या होने वाली है। सो आप चाहो तो क्लाउड में मूव हो सकते हो। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ अगर दूसरे नंबर की जो कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में दोस्तों क्या है कि इतने ज़्यादा मतलब वेबसाइट या सॉफ्टवेयर वगैरह इतने ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं आज इस टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों क्या बेसिकली जो सबसे बड़ा अपना मुद्दा होता है वो सिक्योरिटी का होता है, वो चाहे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी हो, जो फ़ोन में स्टोरेज वगैरह या अपना पर्सनल डेटा होता है। अगर मैं बात करूँगा एक कंपनी के स्टोरेज वगैरह के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि इतने ज़्यादा इवन मतलब इतने ज़्यादा हैकर्स हो रहे हैं कि अगर आप सिर्फ आपने अगर लिंक पे क्लिक कर दिया तो जितना भी आपका डेटा है या फ्रॉड वगैरह है वो लिंक के थ्रू ही होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा हैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी अपन तुमको देनी पड़ती है उन सब डिवाइसेस के लिए। तो कंपनीज़ में जो अच्छी खासी सैलरी होती है वो सिक्योरिटी में, वो चाहे डेटा सिक्योरिटी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो या सर्वर सिक्योरिटी हो, मतलब बेसिकली जो बहुत सारी जॉब्स होती हैं उसमें आप मूव हो सकते हो। सिक्योरिटी एक अच्छा खासा डिमांडेड जॉब है और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा होने वाला है, और इसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। एंड दोस्तों, अगर मैं यहीं पे बात करूँ तीसरे कोर्स की, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मूव हो रही है, तो ये आईओटी जो बेसिकली काम करता है वो सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो सेंसर की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि अगर आप टीवी चला रहे हो और वहाँ से रिमोट को दबा रहे हो और कुछ भी टीवी ऑन हो जा रहा है, चैनल चेंज हो जा रहा है, तो बेसिकली उस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है सेंसर की टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हाउसेस होते हैं ना, जैसे कि दीवारें हैं, जैसे बिल गेट्स का घर बना हुआ ना, दीवारों पे अगर आप हाथ भी रख देते हो तो दीवारों का कलर चेंज हो जाता है। दैट इज द आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मतलब कि अब ऐसे ही सेंसर्स आ रहे हैं कि अगर आप पंखा भी चाहो तो आप रिमोट से बंद कर सकते हो। बेसिकली जो सीधा सा मतलब है, जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो आईओटी के अंडर आती है, और वहाँ पे आने वाले दिनों में भी इसकी बहुत अच्छी खासी जॉब होने वाली है और ये एक अच्छा खासा डिमांडेड कोर्स होने वाला है। तो इसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, बट आपको इसमें प्रोग्रामिंग में मास्टर होना पड़ेगा और अच्छी खासी आपको वहाँ पर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अब अगर आपको आईओटी का मास्टर बनना है। एंड दोस्तों, फाइनली यही है कि अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो पढ़ना आप उनको ही पड़ेगा, पढ़ना हम लोगों को ही पड़ेगा। मतलब आईटी एक ऐसी प्रोफाइल है या एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा आप गेन करते हो नॉलेज, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती जाती है एज़ पर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज।
तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।